नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल दुनिया सपनों की। और दोस्तों, आज हम आपको कुछ ऐसे संकेत बताने वाले हैं जो आपके घर में गरीबी और दरिद्रता आने का संकेत देते हैं। तो आइए दोस्तों, जानते हैं वो कौन से संकेत हैं जो आपके घर में दरिद्रता और गरीबी आने का संकेत देते हैं। दोस्तों, यदि आपके घर में तुलसी का पौधा सूखने लगे तो ये बहुत ही अशुभ माना जाता है। इसका अर्थ है कि आपके घर में कोई परेशानी आने वाली है। ये संकेत भी घर में दरिद्रता और गरीबी आने का संकेत होता है। और यदि आप कहीं जा रहे हैं और आपका रास्ते में जूता या फिर चप्पल टूट जाता है तो ये भी बुरा समय आने का संकेत होता है। ये संकेत भी एक अशुभ संकेत माना जाता है। और यदि आपके घर में दीवार पे लगी घड़ी टूट जाती है या फिर घड़ी टूटी हुई घर में रखी हुई है तो यह संकेत भी अशुभ होता है। घर में टूटी हुई घड़ी का रहना बुरे वक्त की निशानी माना जाता है। आपको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। आपको रुकी हुई घड़ी भी घर में नहीं रखनी चाहिए, इससे आपका अच्छा वक्त भी रुक जाता है। और दोस्तों, यदि आप अपने नए घर में जाते हैं, पुराना घर छोड़कर नए घर में प्रवेश करते हैं और वहाँ पे यदि आपको मरी हुई छिपकली दिख जाती है या फिर कहीं से गिरती है तो ये संकेत भी अशुभ माना जाता है। ये संकेत आपके घर में गरीबी, दरिद्रता और परेशानियों का संकेत माना जाता है। और यदि आपके घर में मकड़ी जाला बार बार लगा रही है, आपके घर में बहुत जाले लगे हैं मकड़ी के, घर में मकड़ी का जाला बुरे वक्त का संकेत माना जाता है या फिर आपको आर्थिक परेशानी या फिर किसी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए घर से मकड़ी के जाले जल्द ही साफ कर ले। और दोस्तों, यदि आपको बार बार उबासी आती है, नींद आती रहती है, आपको बहुत सोने का मन करता है तो ये संकेत भी शुभ नहीं माना जाता है। ये संकेत किसी परेशानी के आने का होता है जो बिल्कुल भी शुभ नहीं माना जाता है। और यदि आपके घर में अचानक से चूहों की संख्या बढ़ जाती है तो ये संकेत भी अशुभ होता है। ये संकेत आपके घर में गरीबी, दरिद्रता बढ़ने का संकेत देते हैं। दोस्तों, कुछ लोगों को नाखून चबाने की आदत होती है, लेकिन क्या आप जानते हैं नाखून चबाना अच्छा संकेत नहीं होता है, ये अशुभ होता है। नाखून चबाना बुरा वक्त आने का संकेत देता है, इसलिए यदि आपकी आदत है तो आप इस आदत को जल्द ही छोड़ दें। और दोस्तों, आपको नाखून शाम के समय कभी नहीं काटने चाहिए, आपको नाखून दोपहर या फिर सुबह ही काटने चाहिए। और यदि आपके घर में दूध बार बार उबल कर बाहर गिर जाता है तो ये संकेत धन हानि या फिर किसी बुरे वक्त का संकेत होता है। आंख का फड़कना ये भी अच्छा संकेत नहीं माना जाता है। यदि किसी महिला की दाई आंख फड़कती है तो ये बुरा वक्त आने का संकेत होता है या फिर कोई परेशानी आ सकती है। और यदि किसी महिला की बाई आंख फड़कती है तो ये अच्छा माना जाता है। इसका अर्थ है कि उस महिला को कोई शुभ समाचार या फिर अच्छा वक्त आने से पहले उसकी बाई आंख फड़कती है। वहीं पर किसी पुरुष की बाई आंख का फड़कना अशुभ माना जाता है और दाहिनी आंख का फड़कना शुभ माना जाता है। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर भी करें। नमस्कार दोस्तों।